बहुत ही संस्कार योग एक ताली काट और साथियों तो दी जानकारी नहीं तो दस अज असी मतलब कि अपनी नौकरी के नाल रिलेटेड मुख्य मुद्दा ने उन्होंने लैके असी अज डिपार्टमेंट के जोड़े उच्च अधिकारी संजीव शर्मा जी दोबारा तो कर लो दोबारा तो कर लो डिलीट नहीं हो उच्च अधिकारियों नाल जिहड़ी साडी मुलाकात हुई है जिन्हां दे विच असी डीसीआई सर संजीव कुमार जी नूं मिले ते उन्होंने सानूं मतलब कि काफ़ी जिहड़ी वधिया इनफोरमेशन दित्ती पर सी रिगार्डिंग कि जिहड़े तुहानूं जिहड़े स्टेशन ने बहुत जल्द मिलण जा रहे ने ते बाकी जो गल्लबात है वह तुहानूं रिशपाल जी तुहाडे रूबरू करनगे। सति श्री अकाल साथीओ, मैं रिशपाल जलालाबाद का। साथीओ, अज असी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड डीपीआई दफ्तर है श्री संजीव शर्मा जी नूं मिलिया तो सारी सूबा कमेटी के वलों संजीव शर्मा जी नूं मिलिया गया। उन्होंने अपने 4161 संबंधी कोई मंगा सीगियां और उन्होंने मंगा के प्रति असी अज आए थे। तो पहली मंग सी कि सानू स्टेशन कदों तक अलाट किए जाएंगे और स्कूल कदों ज्वाइन करवाया जाएगा। तो उन्होंने सानू यही इस चीज़ का यह जवाब दिता सीगा भी इस हफ्ते के स्टेशन च्वाइस करवा के स्कूल ज्वाइन करवा दिता जाएगा। सो साथियों, घबराने की लोड़ नहीं, उम्मीद है भी वाकई ये गल सच होगी और आप इस हफ्ते स्कूल आप अलाट हो जाएंगे। तो दूजी मंग सी अपनी भी स्टेशन आपनलाइन दिते जाएंगे जा ऑफलाइन दिते जाएंगे। तो ये प्रति जो आप क्वेश्चन किया तो उन्होंने अपन यही भरोसा दिता सी भी साड़ी गल चल रही है, उम्मीद है भी असी थोड़ी मंग में मतलब कि ये गौर करा, हो सकता है भी अपन स्टेशन ऑफलाइन ही दिती जाए। तो उस तो बाद अपना सैलरी प्रति पूछा सी क्योंकि तुहानू भी पता है कि यह भर्ती 16 दिसंबर 2021 आई थी। उस तो बाद आप सारे साथी अपनी तैयारियां लगे रहे हैं और यह भर्ती 2 साल के आस पास होने लगे ने। आप अपने प्राइवेट जॉब भी छड़ चुके हैं, आपां नूं सैलरी की बहुत जरूरत है और आपां पुछिया सीगा कि साडी सैलरी मतलब स्टार्ट हो चुकी है जां अजे तक नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ का भरोसा पूरा भरोसा दिता है भी यह सैलरी तुहाडी 9 मई तो स्टार्ट हो चुकी है। सो टेंशन लैण की लोड़ नहीं, यह हुण साडी टेंशन है कि तुहानूं कदों ज्वाइन करना है। सो सैलरी वगैरह तुहानू जून की भी सैलरी दिती जाएगी। तो अगली मंग सी भी अपनी यही मंग सी भी जिहड़े जिहड़े जिलों के वैसे तो सारे पंजाब दे विच बहुत सारे जिले ने इहो जिहे स्कूल ने भी जिथे टीचरां की बहुत वड्डी घाट है और अपनी मंग सी भी जिहड़े जिहड़े जिलों के विच जिथे जिथे टीचरां की घाट है उत्थे सानू भेजा जाए। मतलब कि लोकल स्टेशन जिन्ने भी साथियों नूं मिलते ने तो वह अपने वास्ते बहुत वधिया। तो उन्होंने कहा भी असीं इहदे ते विचार कर रहे हैं, उम्मीद रखो कि स्टेशन तुहानू मतलब हर एक जिला ओपन किया जाएगा। तो उस तो एक अपनी मंग यह सी कि वेटिंग लिस्टा संबंधी मंग सी। तो उन्होंने कहा भी पहली लिस्ट नूं जिवें ही ज्वाइन करवा लिया जाएगा उस तो बाद जिहड़े ज्वाइन नहीं करनगे क्योंकि काफ़ी सारे साथी ट्रेनिंग तो लवा चुके ने पर उस तो बाद उन्होंने हुण अस्तीफा दे दिता इधरों, मतलब कि इहो जिहे स्टेशन भी खाली होणगे। तो उन्होंने कहा भी पहली लिस्ट जदों स्टेशन च्वाइस होगी ज्वाइन कर गए उस तो बाद वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्होंने भी बहुत ही जल्द स्कूल अलाट भी कर दिए जाएंगे। तो एक अपनी मंग सी डीपीआई 168 के म्यूजिक सब्जेक्ट नाल संबंधित है, ये बारे पूछा गया भी इन्हों नियुक्ति पत्र से स्कूल अलाट कदों तक कर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी यदा मसला साढ़े ध्यान में, कुछ ही समय के भी हल किया जाएगा। सो अज सारे साथी इन्हों के हरदीप बठिंडा जी, मालविंदर बरनाला जी, गुरजीत मैडम संगरूप, गुरपाल मानसा, तो उस तो बाद जगसीर सर कोटकपुरे तो आए ने जी, संगरूर तो अपने खुशदीप सर ने, अलका मैम ने, तो अपना फतेहगढ़ साहब के जिला आगू मैडम जसविंदर लांबा जी और फाजिलका जिला के प्रधान इंदराज अबोर जी आए ने, तो राजपाल कौर मैम अबोर तो ये भी अज इतने सारे आए थे और सारे सामने थोड़े हर एक लगभग सारे जिले के आगू खड़े ने। तुहानू किते भी कोई समस्या आती है स्कूल के संबंधी या कोई भी, तो तुसी इन्हां साथियों नाल फोन पर गल करके अपनी समस्या संबंधी गल कर सकते। सो असी तुहाडे नाल खड़ांगे। जय जनता, जय संघर्ष, जय दलड़दे लोकां।